नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपनों और अपने इनको ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बसपा सुप्रीमो मायावती अब गुजरात इलेक्शन की तैयारी में जुटी हुई हैं। और गुजरात ही क्या, 2024 की भी तैयारी है। और गुजरात की तैयारी अहम है, क्यों कि अगर गुजरात में बढ़िया तरीके से पार्टी लड़ेगी इलेक्शन तो बीजेपी के सीधे सीना में तीर लगेगा। और पब्लिक भी यही बात को चाहवे है, और एक विशेष समाज भी यही बात को चाहवे है। बसपा सुप्रीमो ने एक प्रेस नोट जारी करो है, और नोट में बिंदुवार तरीका थे उन्होंने क्या क्या कही है, या है कि सुन लो। अच्छी बात है, सुननी चाहिए। चलो टाइम न बिगाड़ते हुए कर दें शुरू। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने बृहस्पतिवार को पार्टी की गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा करी और संकेत दिए हैं कि पार्टी अकेले दम पे चुनाव मैदान में उतरेगी, यानी कि अकेली उतरेगी चुनाव मैदान में। लखनऊ में जारी बयान के मुताबिक मायावती ने कही है कि गुजरात के गरीब दलित व अन्य उपेक्षित काफ़ी लंबे समय से उपयुक्त सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय को इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कही है कि यह चिंताजनक हालात को संघर्ष व बेहतर चुनावी परिणाम से बदलो जा सके है। बसपा की गुजरात इकाई के पदाधिकारी इनके साथ बैठक के दौरान मायावती ने कही है कि गुजरात के लोग अच्छे दिन को बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो भाजपा के चुनावी वादे थे नहीं बल्कि सत्ता में इनकी उचित भागीदारी थे बिना संभव नहीं है। अगर उचित भागीदारी नहीं होगी तो संभव है ही ना सकेगी, तो आप भी जानो और हम भी जाने सब। पार्टी मुख्यालय में आयोजित बैठक में मायावती ने गुजरात की राजनीतिक स्थिति और वहां होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी संगठन की चुनावी तैयारी की समीक्षा करी तथा अपने बलबूते पर चुनाव मैदान में उतरने के संकेत दिए। बसपा सुप्रीमो ने कही है कि इसके अलावा गुजरात में प्रवासी मजदूरों की कथित खराब दशा तथा उन पर आए दिन होने वाले शोषण संबंधी केवल कुछ ही खबरें देश में लोगों तक पहुँच पावे हैं, जहाँ पे भी बसपा की प्रभावी सक्रियता जरूरी है। उन्होंने कही है कि गुजरात में यह बार आम आदमी पार्टी भी भाजपा की तरह ही रेवड़ी बांटने व अन्य प्रकार के प्रलोभन वाले चुनावी वादे वारी अपनी चाल चल रही है, लेकिन इन सब ते खासकर गरीब दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों को कोई भलो नहीं है सके। यानी कि बसपा सुप्रीमो ने स्पष्ट शब्दों में कही है कि जब तक राजनीति में भागीदारी नहीं होगी तब तक गरीब मजदूर शोषित वंचित लोगों को भलो नहीं है सके। और कि गुजरात में कहा कि तो कहीं भी ना है सके, ये सारी चीज़ों को होनो तो पूरे देश में हर प्रदेश में हर जगह होनो जरूरी है, जब ही गरीबन को कछु है सके, वरना खाली बात ही चलती रंगी जैसे वो कहमे है कि सबको साथ सबको विकास सबको विश्वास और जन क्या क्या सबको, लेकिन कहाँ है सबको, कि सब जग जाहिर है आप सब लोगों को मालूम है। तो बसपा सुप्रीमो गुजरात के मामले में भी अब चुट गई है, आगे क्या रिजल्ट होंगे ये तो आने वालों बखत ही बता देगो। ऊँट कौन से करवट बैठेगोगे तो तभी पतो पड़ेगी, लेकिन जब तक के नहीं है खबर देखते रहो और आगे को भेजते रहो, माहौल को बनाते रहो, क्योंकि पूरे देश में समाज के लोग हैं और एक मैसेज जानो चाहिए। उत्तर प्रदेश से गुजरात को भी एक मैसेज जानो चाहिए। और मैसेज कैसे जागो, आप पे भोपू मीडिया तो है नहीं, बस यही खबर है और इन खबरों को आगे पहुंचाते रहो, मैसेज धीरे धीरे पहुँच जाओगे जहाँ तक जानो है, बात को समझ गए होगे। वीडियो अगर अच्छी है तो ठोको, और नई वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी दोबारा। जब तक के नहीं आ देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।